हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आओ सीखें। आज मैं ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे जेंट्स स्वेटर में डालिए, लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए। इससे आप शॉल बनाइए, स्टॉल बनाइए, या मफलर में भी इसे डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, एक खूबसूरत सी डिज़ाइन उसकी शोभा बढ़ाएगी। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे बुने जाएंगे। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से स्टार्ट होगा। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो मैंने सभी फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का पहला लाइन है। तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उनको चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इसी में एक और उल्टा फंदा। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उनको अपनी ओर करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर इन्हीं में एक और उल्टा फंदा। तो 3 से 3 फंदे बन गए। अब इन्हें गिरा देंगे। अब ऊन को दूसरी ओर करेंगे और फिर एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर ऊन अपनी ओर, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा, फिर ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक और उल्टा फंदा। तो 3 से हमने 3 फंदे बना लिए। अब इसे गिरा देंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और एक फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, फिर लास्ट में 3 फंदे बचे हैं। तो इन तीनों से हम 3 फंदा बना लेंगे। तो इस तरह डिज़ाइन का पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाएंगे सामने की तरफ और सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। डिज़ाइन सिर्फ रॉन्ग साइड से पड़ेगा, सामने की तरफ से हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है। डिज़ाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकता है और इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। तो दूसरी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदा बुनने के बाद उनको दूसरी तरफ करेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए, उनको अपनी तरफ करना है और 3 फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर ऊन सिलाई में चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक और उल्टा फंदा। तो 2 फंदों को छोड़ देंगे और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उनको दूसरी तरफ करना है, एक फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का एक, फिर उन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं तीनों फंदों में एक बार और उल्टा। तो 3 से 3 फंदे बन गए। अब उन दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगले 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, ऊन चढ़ाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर इन्हीं तीनों में एक और उल्टा फंदा, फिर उन दूसरी तरफ एक फंदा सीधा,
ब्लास्ट फंदा, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और सामने की तरफ से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और इन्हीं चार लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है और ये डिज़ाइन ऐसे तिरछे में बनना शुरू हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है, छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बेहद आसान और कितना खूबसूरत। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।